rfi.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीर। 3 दिसंबर 2021 का दिन कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता, क्योंकि आज ही के दिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हमारी भारतीय सेना ने पाक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह लड़ाई झारखंड के लिए भी कई मायनों में खास है, क्योंकि इस लड़ाई में राज्य के कई वीर जवानों ने भाग लिया था और अपनी शहादत दी थी। इन्हीं में से एक थे शहीद परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का, जो कि अकेले ही पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ गए थे और उनकी इसी वीरता के लिए उन्हें वीरता का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। बता दें कि ये पूर्वी भारत में किसी भी सैनिक को मिला पहला परमवीर चक्र है। आज इस लड़ाई को फिर से याद करने का दिन है। कैसे ये लड़ाई हुई और अल्बर्ट एक्का की इस लड़ाई में क्या भूमिका थी? मेरा नाम कर्नल एसके सिन्हा है और मैं इंडियन आर्मी का एक वेटरन कर्नल हूँ। मैंने 1963 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से कमीशन लेकर बिहार रेजिमेंट के 3 बिहार में कमीशन लिया और उसके बाद इंडियन आर्मी में मैंने 35 साल तक सेवा दिया। झारखंड उन दिनों बिहार का हिस्सा हुआ करता था और बिहार झारखंड शामिल जो इंडियन आर्मी में ट्रूप्स हैं वो बिहार रेजिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। हमारे रेजिमेंट का सेंटर यानी ट्रेनिंग सेंटर दानापुर में है, जो कि पटना के नज़दीक है। 71 की लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के अनेक बटालियन शामिल हुए और चूंकि बिहार रेजिमेंट शामिल हुई तो बिहार झारखंड के भी लोग उसमें शामिल हुए। मैं ये भी अपने दर्शकों को और श्रोताओं को बता दूं कि बिहार रेजिमेंट के ट्रूप्स के अलावा भी बिहार और झारखंड के जवान दूसरे दूसरे रेजिमेंट में भी हैं, चाहे वो इन्फेंट्री हो, एएससी हो, आर्मर्ड हो, आर्टिलरी हो या इंजीनियर्स हो। तो इस तरह हमारे ट्रूप्स 1971 वॉर के दौरान पूरे देश में अलग अलग बटालियंस और रेजिमेंट के थ्रू बहुत बड़ा योगदान किए हैं। अल्बर्ट एक्का एक महान सेनानी थे, हालांकि वो एक छोटे रैंक में उन दिनों थे, यानी लांस नायक थे। लेकिन कोई लड़ाई अकेले नहीं होती है, लड़ाई के लिए ट्रूप्स जाते हैं, कंपनी जाती है, बटालियन जाती है, रेजिमेंट जाती है और उसको हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। जहाँ तक अल्बर्ट एक्का जी का सवाल है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दें और उनके परिवार को सुख समृद्धि दें, इसकी कामना के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्बर्ट एक्का एक छोटी टुकड़ी के कमांडर थे और उस छोटे टुकड़ी के कमांडर को चारों तरफ से घिर गए थे। बहुत गोलाबारी हो रही थी, पाकिस्तानी टैंक्स हमारे ट्रूप्स के ऊपर और हमारे टैंक्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बमबारी कर रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए अल्बर्ट एक्का ने बहुत बहादुरी के साथ, बहुत सफलता और सावधानी के साथ पाकिस्तानी के टैंक्स को बर्बाद किया, उनको नाकाम किया और इस तरीके से हमारे ट्रूप्स को आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। लेकिन पाकिस्तानियों के गोलाबारी और गोली लगने के बावजूद वो लड़ते रहे और आखिर दम तक उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर नुकसान बताया और अल्टीमेटली सुप्रीम सेक्रीफाइस देकर वो अमर हो गए। 1971 की लड़ाई का बेसिक कारण पाकिस्तानी आर्मी का बांग्लादेश के लोगों के प्रति निर्दयी हरकतें होना वजह था। वहाँ पर अत्याचार बहुत हो रहे थे, जनता के ऊपर जुर्म हो रहा था और जो बंगाली स्पीकिंग लोग थे
उनके साथ में बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा था। उसकी वजह से शेख मुजीबुर रहमान के अभ्युदय के बाद में नफरत जो थी उसको एक लीडर मिल गया जो आगे बढ़ाए, और यही मेन कारण था कि बांग्लादेश की फौज का अत्याचार असहनीय हो गया था, औरतों से दुर्व्यवहार के साथ साथ उनके ऊपर रेप, लोगों के मर्डर इत्यादि होते थे, वह बेसिक कारण था। जनता में विद्रोह की भावना आ गई और जैसे उनको एक लीडर मिला वो आग ज़्यादा भड़क गई। झारखंड शुरू से ही भगवान बिरसा उरांव की वीरों की धरती रही है, जिन्हों जो अपना बलिदान दे करके और राज्य की या जनता की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहे। बिहार रेजिमेंट में इनकी संख्या, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, इनकी संख्या 50% है। आधे ये होते हैं, इनकी जो ये बदन से बहुत ही गठीले मजबूत होते हैं, और चूँकि विभिन्न माहौल से निकल करके आते हैं, मेहनती होते हैं, इसलिए ये अपने टास्क को पूरा करने के लिए शारीरिक रूप से बहुत सक्षम है। साथ ही ट्रेनिंग मिलने के बाद ये इनका व्यक्तित्व निखरता है, ये निर्भीक होते हैं और स्वभाव से सीधे साधे सरल, लेकिन इरादे के दृढ़ होते हैं, पक्के होते हैं। इनको जो काम मिल जाए उसको वो हर हालत में पूरा करते हैं। लड़ाई में बिहार रेजिमेंट में इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, और वहाँ चूँकि आपस में कंपटीशन की भावना होती है, कंपनी में सिखाई जाती है फौज को कि एक दूसरे से आगे निकलो, उसके लिए कंपटीटिव माहौल बनता है, उसमें ये बहुत आगे निकलते हैं। खेल कूद में इनका, विशेष करके हॉकी और फुटबॉल में, सेना के अंदर, भारतीय सेना के अंदर बहुत ही बड़ा योगदान है, और इनका बहुत महत्वपूर्ण सब जगह में महत्वपूर्ण भाग रहा है। इनकी हम बहुत कदर करते हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी जानकारी में मरणोपरांत और अभी जिंदा करीब 10 परमवीर चक्र विजेता हैं, लेकिन हमारे लिए बड़े अभिमान की बात है कि हमारे झारखंड बिहार और पूर्वोत्तर एरिया से अकेला परमवीर चक्र हमारे श्री अल्बर्ट एक्का, और अल्बर्ट एक्का की कुर्बानी, उनकी बहादुरी और उनका समर्पण, उनका कर्मठ होना, ये हम सबों के लिए, हमारे फ्यूचर जेनरेशन के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। हमारे आने वाले पीढ़ी इस बात को याद रखें कि अल्बर्ट एक्का जैसे महान वीर, परम वीर की कुर्बानी के चलते हम और हमारी सेना का नाम है, और इस नाम को कायम रखते हुए हम सबों को एक अनुशासित ढंग से अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हुए अपनी बहादुरी दिखाना है और भारतीय सेना का नाम ऊंचा रखना है। जय हिंद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।